नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बलून एंट्री कंसेप्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें छह चीज़ें मेरे सामने रखी है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इस ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, यदि आप वेडिंग में या इवेंट में या बर्थडे में एंट्री का काम करना चाहते हैं और इससे अच्छे खासे अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे इस वीडियो में यूज़ होने वाले सभी के बारे में जानकारी दूंगा और ये होलसेल रेट में आप हमारे पास मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, तो आधा वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं समझेगा। तो ये छोटे वाले बलून है, इस बलून का काम पड़ता है और इसमें अलग अलग साइज़ और कलर में और शेप में आते हैं। तो ये दिल शेप में रेड कलर और वाइट कलर सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, पर ये मैं राउंड शेप वाले बता रहा हूँ, तो इसमें दिल शेप वाले सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वो दिल शेप वाले भी मिल जाते हैं। उसके बाद में आप जो देख रहे हैं, इसको हीटिंग वाले फ्यूज़ बोलते हैं, ये बलून को फोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लंबा वायर रहता है, 3 फीट का वायर रहता है और इस तरह से ये फ्यूज़ रहता है जिसमें नाइक्रोम धातु की तार यूज़ होती है और गर्म होने के बाद ये बलून को फोड़ देता है। इसका काम है बलून को फोड़ना, इसको हीटिंग रीयूजेबल फ्यूज़ बोलते हैं। 10 पीस का ये पैकिंग आता है और आप जो देख रहे हैं लेटेक्स बलून है, ये 36 इंच साइज रहता है इसका, फूलने के बाद 36 इंच साइज बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है ये। और ये बलून के अंदर में इस तरह के बलून इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये बलून 36 इंच वाले, इसका पैकेट आता है 10 पीस का। उसके बाद में आप देख रहे हैं, ये जो है इसको स्टफिंग टूल बोलते हैं, बड़े वाले बलून के अंदर छोटे वाले बलून इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसको मैं खोलकर आपको दिखा देता हूँ। ये 3 पार्ट में आता है, इसका ऐसा ये 2.5 फीट का पाइप आता है, उसके बाद में ऐसा स्टफिंग टूल आता है और ये नोज़ल आता है बलून के अंदर छोटे बलून को इंसर्ट करने के लिए, इसको स्टफिंग टूल बोलते हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो ये बलून को फायर करने के लिए रिमोट सिस्टम है, जो कि रिमोट से ऑपरेट होकर बलून फोड़ देता है। इसका जो आप पैकिंग देख रहे हैं, तो इसके ऊपर लिखा है फेस्टिव बलून और इसका मॉडल नंबर है Q08। ये 8 चैनल वाला सिस्टम है, इसमें 8 रिसीवर रहते हैं, जैसे ब्लैक वाला इसको रिसीवर बोलते हैं, ऐसा रिमोट रहता है, 2 रिमोट रहते हैं। तो मैंने एक रिमोट निकाल दिया है, जैसे कि इसको चालू करेंगे, इसका पीछे में देखोगे तो ये छोटे वाले AA साइज, मतलब घर में जो वॉच रहती है दीवार वाली वॉच, उसमें जो यूज़ होने वाले सेल है वो सेल लगते हैं, तो ये इसके साथ में नहीं आते, ये हमको अलग से लगाना पड़ता है। और इसको मैं यहाँ से, इसके स्विच है, इसको मैं चालू कर दूँगा तो ये 2 इंडिकेशन इसके ऊपर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 इंडिकेशन है। मैं जैसे इसकी वाली इसकी बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए ब्लिंक हो रहा, मतलब ये एक्टिव हो गया। यहाँ से हम जो भी इसमें फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज़ में सप्लाई जाएगा और बलून को ब्लास्ट कर देगा। तो ये रिमोट ऑपरेटेड है, ये 100 फीट तक ये काम करता है रिमोट, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बलून पंप बोलते हैं उसको, ये इसकी ज़रूरत इसलिए रहती क्योंकि नेचुरल एयर को भरने के लिए। ये देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं, पर ये सबसे अच्छा रहता है और बढ़िया रहता है, कम दाम में भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट वेट है, तो ये ब्लू वाला इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से एयर निकलना चालू हो जाएंगी। मैं बाकी चीज़ों को साइड में रख देता हूँ और आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इसका ये कवर है और कवर के अंदर इसकी वायर इंसर्ट की रहती है, तो हम वायर को बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए इसके साथ में इतनी लंबी 5 फीट की वायर मिलती है। टेस्टिंग बोर्ड है, तो टेस्टिंग बोर्ड में मैं इसको लगा देता हूँ। स्विच को चालू कर दिया मैंने, चालू करने के बाद ये स्विच यहाँ से ऑन ऑफ वाली स्विच है, ये हम इस साइड में करेंगे तो कंटिन्यूस चालू रहेगा, और ये 0 वाले पोजीशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको प्रेस करेंगे तभी एक्टिवेट हो जाएगा ये। तो ये हो गया बलून पंप, इसको हवा भरने के लिए। तो क्या करना पड़ता है, बलून को हवा भरने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे हीटिंग वाले फ्यूज़, जैसे कि आपको पता है ये हीटिंग वाले फ्यूज़ है, तो मैं इसको चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसको निकालना है, निकालने के बाद इसे दोनों को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद इसमें लगाना है, तो इसमें मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये प्रेस फिक्स वाले, प्रेस करके फिक्स करना है इसको, देखिए प्रेस करके फिक्स कर दिया, इसमें मैं चालू कर दिया। पहले 2 इंडिकेशन आ रहे थे, रेड और येलो वाला, अभी एक इंडिकेशन मिस हो गया, एक इंडिकेशन चले गया, तो इसका मतलब है ये सर्किट में कनेक्ट हो गया है। इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से सप्लाई देगा और इसको बलून को एक्सप्लोड कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये हमको इसको चेक करना है कि कितना गर्म होता है, तो हमारे लिए ये गन है, टेम्परेचर गन, इससे पता करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप, तो मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी ये नॉर्मल कंडीशन में कितना है ये आपको दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, नॉर्मल कंडीशन में 91 है, तो अभी मैं इसको शुरू करता हूँ, तो वो गर्म होता है क्या और कितना गर्म होता है वो आपको दिखाई देगा। देखिए इसका टेम्परेचर राइज हो गया है, 112 डिग्री गया था उसका, 112 डिग्री जाके ये कम हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पता कर लिया है कि ये टेम्परेचर इसका राइज हो जाता है, इससे बलून एक्सप्लोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये टेम्परेचर गन से मैंने चेक करके दिखाया है कि जब ये इसको ये चालू करते हैं तो 144 डिग्री इसका टेम्परेचर जाता है और जिससे ये बलून फट जाता है। तो ये हीटिंग वाले फ्यूज़ का ये कंसेप्ट है, ये रीयूजल होता है, एक बार बलून को एक्सप्लोड करने के बाद ये फिर से हम यूज़ कर सकते हैं और ये सालों साल चलता है। उसके बाद में ये देखिए स्टफिंग वाली स्टफिंग टूल है, जैसे कि आप देख रही है यहाँ पे वॉइस जैसा काम करता है, मतलब ये टेबल के ऊपर होल्ड करने के लिए, और ये एक राउंड शेप है, और यहाँ पे एक देख रहे हैं डायफ्राम है, यहाँ से बलून के अंदर हवा जाएगी। ये इधर से ये वाला स्टफिंग टूल है, ये नोज़ल है, नोज़ल से हम ये हवा जाएंगी, और यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक वाला ये पोर्शन है जिससे हवा अंदर वाली बाहर नहीं आएगी, और ये डायफ्राम है, इधर हवा जाने के बाद जब हवा बाहर की तरफ जाएंगी तो ये यहाँ से ये इसको क्लोज कर देगा, और ये नोज़ल है, तो नोज़ल की यहाँ पे भी देखोगे तो इसको मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जाली है, देख रहे ये नेट है, और ये नेट और ये यहाँ पे छर्रा है। तो ये इसके लिए है कि यहाँ से हवा इस साइड में जाएंगी और जब वापस आएंगी तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगी यहाँ पे, तो यहाँ से भी हवा वापस नहीं आएगी। तो इस तरह का ये सिस्टम है, और ये पाइप है, तो पाइप को यहाँ कनेक्ट करना है इस तरह से। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद ये वाला नोज़ल यहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरह से, देखिए इस साइड में कनेक्ट कर दिया। और अभी ये बड़ा वाला बलून है, ये बड़ा वाला बलून इसमें लगाना है इस तरह से। देखिए मैं आपको एक बलून फुला कर दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कितना बड़ा बलून रहता है। एक्चुअली ये टेबल के ऊपर इसको पकड़ना पड़ता है और उसके बाद में इसको फुलाना पड़ता, पर अभी टेबल नहीं है इसके कारण मैं ऐसे ही आपको फुला कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का बलून जो स्टफिंग टूल है उसमें यह बलून को होल्ड करना पड़ता है, तो मैंने होल्ड करके आपको दिखा दिया, और ये बलून को मैं फुला कर भी दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया जाएगा कितना साइज़ का बलून रहता है। फ्रेंड्स, ये बलून का साइज़ आप देख सकते हैं, ये मैंने आधा फुलाया और इससे आधा और फूल जाएगा, और देख सकते हैं ये स्टफिंग टूल का पर्पज़ ये है कि इसके अंदर जो नॉन रिटर्न वाला जैसा पर्दा है उसके कारण यहाँ से हवा निकल नहीं पाती, और इसके अंदर हम बलून फुला सकते हैं। देख सकते हैं ये बलून आधा फूल गया है और इसे और बड़ा फूल जाएगा, और तो इसको मैं और आपको फुला कर दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसके अंदर बलून को इंसर्ट करना है, तो हमको बलून को इस तरह से, देखिए ये हो गया नॉर्मल बलून, मतलब हमको नॉर्मल वाली हवा इसमें भरना है, उसके बाद में हमको गैस बलून इसको अंदर फुलाना है। तो गैस बलून के लिए कैसा चाहिए, हमको इस तरह के बलून यहाँ पे ऐसे लगाना है, और लगाने के बाद हम इसको ऐसा प्रेस करेंगे, और ये अभी इसको मैं चालू कर देता हूँ। तो अभी ये स्टफिंग टूल को निकालना है, उसके बाद में इसको गठान लगा देना है। गठन लगाकर हम इसको छोड़ देंगे तो वो अंदर में लॉक हो जाएगा। वो देखिए वो अंदर में चले गया। इस तरह से ये बलून इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारा ये पहला बलून बराबर गया नहीं था। देखिए इस तरह से हम ये बलून के अंदर बलून डाल सकते हैं, और ये इससे भी और बड़ा फूल जाता है ये। आप देख सकते हैं ये बलून का साइज़, आप देख सकते हैं 36 इंच, मैंने इसको थोड़ा सा कम फुलाया है, और इसके अंदर और बलून डाल देंगे तो और भी और बड़ा फूल जाता है। ये ट्रांसपेरेंट वाला है, इसमें 4-5 कलर आते हैं, तो ये सब हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह के बलून की क्वालिटी रहती है, सुपर क्वालिटी रहती है, और इसमें 2-3 साइज़ आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3-4 साइज़ आते हैं, जैसे छोटा वाला साइज़ आता है 20 इंच वाला, ये आता है 30 इंच वाला, और 36 इंच वाला आता है। तो अलग अलग साइज़ के अनुसार अलग अलग इसके रेट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने बलून आपको फुला कर दिखा दिया। ये स्टफिंग टूल में इस तरह से होता है, इसके अंदर गैस बलून फुला कर उसको फिर ये बड़े वाले बलून को फोड़ना पड़ता है। यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, ये गर्म हो जाएगा और इससे फूट जाएगा, तो अंदर में जो छोटे बलून गए हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, उससे अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, और इससे अच्छे खासे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, ये बड़े बलून की जगह पर मैं छोटा बलून आपको फोड़ कर दिखा देता हूँ। तो इस तरह से अपना हमारा बलून है, और ये हमारा रिमोट सिस्टम है, ये रिमोट है, और ये फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ को क्या करना पड़ता है, ये इसे सेलो टेप है, तो सेलो टेप की मदद से
हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे, जैसे कि नाइक्रोम धातु है ये गर्म होता है और इससे बलून फूट जाता है, तो इस तरह से हमको बलून के साइड में उसको रखना है। देखिए हमने इसको ऐसा रख दिया और अभी मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको देखो मैं अभी चालू करता हूँ। देखो मैंने चालू कर दिया, चालू करने के बाद ये अभी बी नंबर, ये बी को प्रेस करूँगा तो एक्टिवेट हो जाएगा और इसको एक्सप्लोड कर देगा। देखिए आपने देखा जैसे मैंने ये बी वाला प्रेस किया ये एक्टिवेट हो गया और ये गर्म होकर ये हमारा बलून फूट गया। ये बड़े बलून है उसके अंदर नॉर्मल एयर भरी है ये बलून वाले पंप से, और जो छोटे वाले बलून है जो हवा में उड़ेंगे उसके अंदर हीलियम गैस भरी है। तो ये बड़ा बलून फूटने के बाद छोटे वाले बलून है उसमें हीलियम गैस होने के कारण वो हवा में तैरते हैं, उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट दिखता है। आजकल ये ट्रेंडिंग है और यदि आप ये शुरुआत करते हैं तो आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी मटेरियल चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में जो भी सवाल है या सुझाव है हमें कमेंट करके पूछे, उसका आंसर दूंगा। यदि आपको ये मटेरियल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर जाएंगे, होलसेल के रेट, फोटो, वीडियो आपको सब मिल जाएंगे। थैंक यू।